सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट सर, ये बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूँ। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उस व्यथा को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ सर। मोर देन द व्यथा, द इंसल्ट दैट अ वुमन फेस्ड एट दैट टाइम। आई स्टैंड हियर एज अ मदर, एज अ ग्रैंडमदर विथ सो मच पेन। आज हम लोग सब लोग, ना वो, ना ये, ना ये, किसी ने भी सिर्फ बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई फार्मर थे, कोई ये थे, कोई वो थे। सर इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज हैपेंड। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। वी मस्ट राइज अबव दिस। वी हैव लॉस्ट 3 यंग पीपल, और ऐसे बहुत से यंग लोग गए हैं। सब लोग यहाँ बैठ के, मैं तब से देख रही हूँ, मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ, सब लोग अपना अपना पिट्ठू फिट कर रहे हैं। पॉलिटिकली दिस इज नॉट डन। वी आर राज्यसभा, we have been nominated here to represent people. we must talk with compassion and intelligence. ab cpwd hai, mcd hai, ndmc hai. ndmc main sochti hu shayad national new delhi corporation. are sir iska kya matlab hota hai? jab main apna oath lene ke pehle yahan aayi, mere ghar mein ghutne tak pani tha. everything in my house was ruined. everything, the quality that is being used by these agencies to look after the homes of MPs are so poor, and the problem starts there, sir. और ये किसी सरकार की गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है। ना हम लोग कंप्लेन करते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो इंचार्ज होते हैं वो कौन होते हैं, उनकी क्या what is their response? ये सब हम सोचते नहीं थे। हम आज हर चीज में political बातें कर रहे हैं सर, इससे बहुत दुख होता है। इट्स अ वेरी वेरी सैड। और मैं जानती हूँ त्रिवेदी जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सर, एक छोटी सी फैन हूँ। ये जब बोलते हैं तो मैं इनको बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि आई लव हिज लैंग्वेज। मगर आपने भाव से बोला, मुझे उसमें थोड़ी कमी लगी। आज आप पॉलिटिकली बोले, आप अपने दिल से नहीं बोले, आप इन लोगों को सुनाने के लिए बोले, आप नॉर्मली ऐसा नहीं बोलते हैं, मुझे बुरा लगा। मैं एक छोटी सी पंक्ति बच्चन जी के एक कविता से पढ़ना चाहूंगी, अगर आप बुरा ना माने तो। एम आई लव, थैंक यू सर। भार उठाते सब अपने अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल। भार उठाते सब अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल। अपने सुख दुख के बोझ को सबको अलग अलग ढोना है, साथ ही हमें अलग होना है।